हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने जब बनाया था, लास्ट वीडियो विच आई मेड ऑन 19th ऑफ सितंबर, इट वॉज डीएलएफ। डीएलएफ परफॉर्मिंग वेल। सो आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं और बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो आज जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो स्टॉक का नाम है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड। काफी अच्छा चार्ट दिख रहा है, चार्ट लुक्स क्वाइट नाइस। सो वी बी शोइंग यू विच आर द नेक्स्ट टारगेट विच आई एम लुकिंग फॉर। और दोस्त, और होल्डिंग दिस स्टॉक, जो भी कोई ये स्टॉक होल्ड रखा है, तो वो स्टॉक का आपको सपोर्ट लेवल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ठीक है? तो दोस्तों, विजिटिंग फर्स्ट टाइम टू माय यूट्यूब चैनल, इफ यू आर विजिटिंग दिस वन, आई हैव थ्री प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक। स्टॉक्स टू बाय ऑन करेक्शन देख लीजिए, ये सब मैंने अभी रिसेंटली देखे, ठीक ठाक चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव सीन ऑल दिस स्टॉक्स, देयर आर थ्री थ्री प्लेलिस्ट रेडी फॉर बिग अप मूव, स्टॉक गिवन मल्टीपल रिटर्न, स्टॉक्स टू बाय ऑन करेक्शन। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन गो एंड वॉच दिस थ्री प्लेलिस्ट। आप देख सकते हो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है? तो बात करेंगे हम मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में। तो दोज हु आर होल्डिंग दिस स्टॉक, जिस किसी ने हो स्टॉक होल्डिंग रखा है, तो स्टॉक होल्ड रखिए। उसका मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा, आई विल बी गिविंग वन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है लास्ट कौन सा, 4 ऑफ नवंबर को, जो 4 ऑफ नवंबर द क्लोजिंग प्राइस इज 71 रुपीज 85। स्टॉक्स ओवरऑल लुक्स गुड। ओके, सो आई विल बी गोइंग ऑन डेली चार्ट। सो दोस्त हुआ विजिटिंग फर्स्ट टाइम, जो भी कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आई विल बी टेलिंग यू समथिंग लाइक आई एम डूइंग डेली, वीकली और मंथली। तो मैं तीन टाइम फ्रेम देखता हूँ, डेली, वीकली, मंथली, और कभी कभी एनालिसिस करने के बाद पहले और भी कुछ देखता हूँ, जिसमें पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं। आई सी मोर पैटर्न फॉर्मेशन एंड बेसिकली बेसिकली आई सी ओनली अ ट्रेंड लाइन, नथिंग एल्स, नो इंडिकेटर्स इन्वॉल्व। इफ यू वॉन्ट टू गो, यू कैन गो एंड वॉच माई अर्लियर वीडियो, देर इज नो इंडिकेटर, नथिंग। सो विल स्टार्ट विथ ट्रेंड लाइन, विल स्टार्ट विथ ट्रेंड लाइन एंड वी विल सी द सपोर्ट। सो ओके, नॉट सपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे ये दिस इज अ रेजिस्टेंस व्हिच आई विल बी ड्रॉइंग एक्लिप्स। दिस वाज अर्लियर अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट, ये अटेम्प्ट था ब्रेकआउट करने का 27th of 7 21। द प्राइस इट वाज हाई ऑन 6940 एंड डिडंट ब्रेकआउट। ओके, तो ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है 6940 पे, ठीक है? तो दिस वाज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ मिर्जा इंटरनेशनल। ओके, तो आई विल बी टेलिंग यू टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह जो भी है उसे बताऊंगा, पर थोड़ी देर के बाद, ठीक है? तो ये हमारा पहला अटेम्प्ट था, अभी रिसेंट में था, इस स्टॉक ने कोशिश किया पर ब्रेकआउट नहीं दिया है। सॉरी फॉर माय बुक मार्क, दोज हु आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम, आई कीप ऑन, आई ऑलवेज कीप माय बुक मार्क्स इंटैक्ट। सो मुझे देखना है मेरा बुक मार्क्स, और दोज हु आर कॉपी पेस्टिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? सो दिस इज अवर सेकेंड अटेम्प्ट। ओके, ये सेकेंड अटेम्प्ट था 2020 का, अगेन द सेम अटेम्प्ट, इट वॉज 67 69 के आसपास, और ये हमारा तीन ओवल शेप है। सो दिस वी कॉल्ड एज ए ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप। ओके, तो मिर्जा इंटरनेशनल में ट्रिपल टॉप बना था 69 के आसपास। ओके, तो ये हमारा जो सेकंड टॉप बना था, ये बना था 15th ऑफ जैन 2020। सो दिस इज अवर सेकंड टॉप ऑन 15th ऑफ जैन 2020, विच आई विल बी मेकिंग यू एरो। दिस इज अवर सेकंड टॉप, ये हमारा फर्स्ट टॉप है, और दिस इज अवर थर्ड टॉप। जो थर्ड टॉप बना था, इसमें ज्यादा करेक्शन आया नहीं, बट जो सेकंड टॉप बना था, जो 2020, विच इज मेड ऑन 2020, देर वॉज अ वेरी गुड करेक्शन एंड इट गोन अप टू 27 रुपीज। सो अच्छा खासा करेक्शन आया है। सो वॉट वी आर लुकिंग फॉर, जो भी कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, याद रखना ब्रेकआउट पे ट्रेड इट्स नॉट ऑब्वियस अ गुड आइडिया, वी हैव टू सी फर्दर मोर थिंग्स। अगर आप सोचते हो कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, चालू करना एकदम ईजी है, तो ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया ओवरऑल, यू हैव टू सी फ्यू मोर थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमने ट्रेड बता दिया आपको कि ये ब्रेकआउट हो चुका है डेली में, वी कैन सी अ क्लियर कट ब्रेकआउट ऑन हियर ऑन ऑफ 8th of 11, मतलब अभी जो अपना लास्ट ट्रेडिंग था ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। सो दिस इज अवर ब्रेकआउट, जैसे कि मैं आपको बताया कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करना इट्स नॉट एन गुड आइडिया, आई विल बी शोइंग सम एग्जाम्पल इन दिस सिमिलर चार्ट। सो दिस इज अवर मिर्जा इंटरनेशनल वीकली चार्ट। ओके, इसके पहले जो मैं दिखाया था, इट इज अवर डेली चार्ट, आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, इट कैन बी हैपन इन डेली, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम में हमको दिख जाएगा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल विच आई सेड अर्लियर फ्यू मिनट्स बैक, ये हमारा यहाँ पे कितना बार ब्रेकआउट हुआ है। सी, यू कैन सी द सेम लेवल, इट इज 39.69। ओके, इट हैज शोन मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट एंड फेलियर। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इन द सिमिलर चार्ट। सो विच इज द बेस्ट वे, हमारा कौन सा बेस्ट वे होगा ब्रेकआउट पे ट्रेड करना? सो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, हमको ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे ट्रेड करना काफी बेटर होता है। दोज हु आर नोइंग टेक्निकल, उनको पता रहेगा ब्रेकआउट और रिटेस्ट क्या है। अगर जिस किसी को पता नहीं है, तो आई विल बी शोइंग यू एग्जाम्पल इन द सेम चार्ट। सो ये हमारे सामने मिर्जा इंटरनेशनल ही है, सेम चार्ट सिमिलर, और इफ यू कैन सी, यू कैन सी देयर इज मिर्जा इंटरनेशनल, ठीक है?
तो विच आई हैव शोन अर्लियर टाइम फ्रेम, सेम वी आर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड सेम थिंग विच वॉज बिफोर, जैसे कि मैंने इसके पहले का जो स्लाइड में बताया था, इट वॉज अ ब्रेकआउट एंड फेल। ओके, अब यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल दिखाया है हमको ब्रेकआउट और रिट टेस्ट। ओके, दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हैविंग, क्या बोलते हैं ना इसको, कि जो भी ट्रेड करना है ना, कन्वेक्शन के साथ ट्रेड करना, वी कैन ट्रेड विथ कन्वेक्शन फॉर अ बेटर रिजल्ट। तो हमको पता चले कि और क्या है। ठीक है, और एक चीज है, मेरा और एक सर्विस है, दोज हुआ इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू ई मेल। अभी मैं काफी दिनों से एक्टिव नहीं हूँ। दोज हुआ इंटरेस्टेड दे कैन कॉल मी फॉर दिस मंथली सब्सक्रिप्शन। मैं अभी 2 महीने से एक्टिव नहीं हूँ, थोड़े दिन में एक्टिव होऊंगा, सो आई विल बी लेटिंग यू नो कि कौन सा तरीका है, क्या है, कितने चार्जेस होते हैं, जिस किसी को इंटरेस्ट हो। अदरवाइज यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल, देर इज ऑलवेज ए फ्री अवेलेबल और हमेशा होता रहेगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो एनीवे, तो इसमें हमने काफी चीज देखा है, इसमें वी हैव सीन अ ब्रेकआउट रीटेस्ट, और यहाँ पे हमको ये मिर्जा इंटरनेशनल का ब्रेकआउट और रीटेस्ट मिल गया है। ठीक है, सो वी बी शोइंग यू नाउ व्हाट विल बी द करंट सिनेरियो। सो दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम, कुछ चेंजेस नहीं है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में ना आपको कैंडल्स काफी थोड़े बहुत ठीक दिखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम थे, यहाँ पे वी आर हियर ऑन अर्ली मल्टीपल रिटेस्ट, यू कैन सी दैट मल्टीपल रिटेस्ट एंड रिटेस्ट हैज डन अराउंड द लेवल ऑफ 40 रुपीज, एंड वी कैन सी अपसाइड। हमने 40 रुपीज के बाद मल्टीपल रिटेस्ट देखने के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा दिया है, 40 से लेके 142, बाद में फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है 69-70 के आसपास। ओके, ये हमारा फिर से रिटेस्ट हुआ है, और रिटेस्ट कहाँ से हुआ, ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ। ठीक है, तो रिटेस्ट होने के बाद ये अपना दूसरा मौका था, या तो मौका बोले, या तो अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है तो यू कैन कीप ऑन होल्डिंग फॉर फर्दर अपसाइड। और हमको ये स्टॉक दिखा है फिर से 177 के आसपास। सो क्लियर कट, वी हैव सीन ए ब्रेकआउट एंड मल्टीपल रिटेस्ट। सो ये सब प्रीवियस था, अभी हमारा क्या है। सो यू कैन सी दिस ओवर विच आई हैव ड्रॉन, इट्स द लेवल ऑफ 70 रुपीज। ये जो ओवर है ना, अभी इसको मैं कलर चेंज करने वाला हूँ, सो यू कैन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि काफी सारे ओवर है इसमें। चलो, मैंने ओवर को कलर चेंजिंग का टाइम जाएगा इसमें। सो यू कैन सी दिस ओवर, ओके, ये जो हमारा रिटेस्ट का लेवल था 69-70 के आसपास, ये हमको अभी दिख गया है रिसेंट ब्रेकआउट में। ओके, ये हमको दिख गया है रिसेंट ब्रेकआउट, वी हैव सीन ए ब्रेकआउट हियर ऑन ए डेली चार्ट, और वीकली भी बोल सकते हैं क्योंकि वीकली तो क्लोज हो चुका है। ठीक है, सो इन दिस चार्ट पैटर्न व्हाट वी हैव सीन फ्यू ब्रेकआउट एंड फेलियर, और हमको इसमें कुछ दिखा है ब्रेकआउट और रिटेस्ट मेथड। ओके, ये तो पहले का था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, दिस किसी को इंटरेस्ट हो, दोज हुआ इंटरेस्टेड ऑन दिस स्टॉक, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिस किसी ने स्टॉक इन्वेस्ट किया है, कीप ऑन इन होल्डिंग। ओके, तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना, व्हाट द स्टॉप लॉस यू शुड कीप इट। ओके, आइदर यू कैन कीप दिस स्टॉप लॉस, ये हमारा 52 के आसपास है, सो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज। सो आइदर यू कैन कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज। ओके, ये जो बेस पे, कौन से बेस पे बताया, मैं ये बेस पे बताया हूँ, आई विल ड्रैग दिस लाइन। तो ये हमको लाइन है ना काफी दूर तक लेके आता है, क्यों, ये काफी अच्छा सपोर्ट है। तो आप एक 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लीजिए दोस्त हो इंटरेस्टेड, अदरवाइज यू कैन कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 35। सो देर इज ए टू स्टॉप लॉस विच यू कैन कीप ऑन होल्डिंग, आइदर यू कैन कीप ऑफ 50 रुपीज स्टॉप लॉस, आइदर यू कैन कीप ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ 35 रुपीज। ये किन के लिए हो गया, दोस्त हुआ होल्डिंग दिस स्टॉक, दोज हु वॉन्ट टू बाय द स्टॉक, जिस किसी को स्टॉक ये बाय करना है, दे कैन बाय बिकॉज वीकली क्लोजिंग तो दे चुका है। ओके, अगेन आई विल नॉट गोइंग टू सी इंडिकेटर, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाय ऑन दिस स्टॉक, दे कैन बाय फ्रॉम द सी एम पी, ये सी एम पी है 71 रुपीज, 72 से लेके आप यहाँ तक आ सकते हो, कहाँ तक आ सकते हो, 53 रुपीज, और 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो इट्स ए डिप, अगेन मार्केट करेक्ट होता है अगर आपको जम रहा है, अगर आपको जम रहा मीन्स क्या बोलते हैं ना, इफ यू कैन एबल टू अफोर्ड दिस वन, यू कैन बाय इन 2 और 3 पार्ट्स, अगेन डोंट गो फुल क्वांटिटी ऑन सेम टाइम, यू हैव टू बाय ऑन पार्ट्स। सो यू कैन बाय फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस 72 से लेके 54 रुपीज, कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज, और दोस्त हुआ होल्डिंग दिस स्टॉक, जिस किसने भी स्टॉक होल्ड रखा है, आइदर यू हैव टू कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपया, और या तो 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा के चलिए। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस लेवल, अभी हमको दिखने वाला। सो सी, अगर ये स्टॉक सक्सेसफुली देता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिटर्न एटलीस्ट 50 to 100%। ठीक है, अब ये देखने के बाद, इफ यू लिसन टू दिस वन, यू आर क्लोजिंग दिस वन अगेन, इट्स योर फॉल्ट। सो अगर थोड़ा रेजिस्टेंस देख लीजिए, क्योंकि मैंने काफी बार रेजिस्टेंस और उसमें बताया है, सो यू हैव टू कीप ऑन रेजिस्टेंस। सो हमारा नेक्स्ट लेवल का पॉसिबिलिटीज क्या है, टारगेट, ये मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है इमीडिएट का 90 to 92 रुपीज, तो इट इज लेस देन 50%, बट आई एम एक्सपेक्टिंग टू डू दिस स्टॉक वेल। सो वंस इट क्रॉस 90 to 95 रुपीज, सो दोज हु आर होल्डिंग दिस स्टॉक, जो भी अगर बाई करेंगे कोई भी लेवल में मैंने बताया है, तो वी कैन एक्सपेक्टेड
टारगेट ऑफ 92 लेख 92 95, 90 से लेके 95 रुपीज के आसपास आपको देखने वाला है। अगर 90 से लेके 95 के बीच में जाता है तो स्मॉल टू मीडियम टर्म हमको 120 140 के आसपास भी ये टारगेट दिख सकता है। ओके, तो ओवरऑल मेरा मेजर इंटरनेशनल का आउटलुक है। दोज हुआ इंटरेस्टेड, दे कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है, और मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा एक्टिव होने के लिए, पर मुझे चार्ट काफी अच्छा लगा, जोरदार दिखा। तो आप ये पकड़ के भी चल सकते हो कि मेरा दिवाली पीक थोड़ा डिले हो चुका है, हो गया है। सो यू कैन सी एज एन दिवाली पीक ऑल्सो, जिस किसी को इंटरेस्ट हो। ठीक है, और जो भी कुछ करोगे, सो हियर इज माई ब्लॉग एज वेल, तो यू कैन सी माई डिस्क्लेमर इज ऑल इन डिटेल। आई एम नॉट इन सेबी रजिस्टर्ड, सो यू कैन गो थ्रू माई डिस्क्लेमर एज वेल। थैंक यू, बाय।